झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडे और बेटे शुभंकर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। वहीं पूर्व डीजीपी की बहू रेखा मिश्रा ने भी महिला थाना से केस वापस ले लिया है, जिसके बाद पूर्व डीजीपी सहित बेटे और मां को बेल मिल चुकी है। आज मैंने केस वापस ले लिया, जो मैंने महिला थाना में इन लोगों के लिए केस किया था वो मैंने वापस लिया है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जब केस किया तो मैंने केस वापस क्यों लिया, तो जब मैंने केस किया था उस समय मैंने अपने लिए केस किया था, अपने लिए फाइट करने के लिए कि मैं एक सेट करूं कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को उसके लिए आवाज़ उठाना है। और मैंने आज केस अगर वापस भी लिया, ये भी मैंने अपने लिए ही लिया है। आप सोचो मैं आज 30 साल की हूँ और मेरे को लगता है कि जब मैंने ये केस किया और मेरी शादी 25-26 साल की उम्र में हुई है और उस शादी के दौरान हमारा जो भी रिलेशन रहा है वो 5 साल मेरा स्पॉइल हुआ है और अभी केस के माध्यम से और वो स्पॉइल हो रहा था। मीडिया ने काफ़ी कुछ लिखा मेरे लिए, काफ़ी कुछ छपा भी, और मैंने जितना भी एलिगेशन लगाया, चाहे वो महिला थाना में लगाया हो या मीडिया के सामने लगाया हो, वो सारा एलिगेशन ट्रू था। आज भी अगर मैंने केस वापस लिया है तो मैंने अपनी शर्तों के हिसाब से लिया है वापस, और मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, किसका क्या जजमेंट है। मैंने जो किया अपने लिए किया, अपने आप को देखते हुए किया, मुझे आगे अपनी लाइफ को लीड करना था। और मैं ये केस कितने दिनों तक लड़ती, आप खुद बताइए। तो आज क्या आप लोग साथ आगे नहीं है? हमारा तलाक हो चुका है, हम लोग अलग हो चुके हैं। ये मैंने केस आज वापस लिया है महिला थाने से, क्योंकि मुझे अब इसको नहीं लड़ना था। इसलिए नहीं लड़ना था क्योंकि मुझे पता था कि इसमें न्याय नहीं मिलेगा। मुझे न्याय इसलिए नहीं मिलेगा कि मेरा केस कमजोर है, मुझे न्याय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कोर्ट से मुझे सिर्फ तारीख मिलेगी और वो तारीख मिलते मिलते मेरा एक पूरा जो लाइफ है ना वो स्पॉइल हो जाएगा। तो मैंने उसको सोचते हुए मैंने ये केस वापस लिया है। लेकिन आज मैं अपने सारे एलिगेशन पे, उस वर्ड पे जो भी एलिगेशन मैंने लगाया है, मैं स्टिक हूँ आज भी कि मैंने जो भी एलिगेशन लगाया है इन लोगों के खिलाफ वो पूरा ट्रू का ट्रू, उसमें कोई भी कहीं से भी कुछ भी फॉल्स नहीं है। वही जस्टिस आनंद सेन की अदालत में फिजिकल सुनवाई में शुभंकर की ओर से अधिवक्ता निशांत कुमार ने कहा कि ये मामला पूरी तरह से समाप्त हो गया है। दोनों की ओर से सहमति से संबंधित आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सर आज सुनवाई हुई थी, क्या पासिंग एप्लीकेशन फाइल किया था यहाँ पे, अफेयर एंटीसिपेटरी बिल जब लोअर कोर्ट पे पेंडिंग था उसी टाइम पे मीडिएशन हुआ, मीडिएशन में सारा सेटलमेंट हो गया और कॉम्प्रोमाइज से ग्राउंड पे आज हम लोग यहाँ पे फाइल पासिंग एप्लीकेशन फाइल किए थे, जो आप पूरा हियरिंग होने के बाद कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने अफेयर रद्द कर दी। तो ये मामला पूरी तरीके से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्या कुछ सुनवाई में हुआ सर? मतलब क्या बहस? मेडिशन रिपोर्ट में जो सारा कंडीशन था वो कंप्लेनेंट पर्सनल अपीयरेंस था उनका, उन्होंने कोर्ट ने सारी क्वेरी की उनसे कि सारा कुछ सेटलमेंट हो गया है, जो भी वो उनका था बाबा ने टेलीमोनी का सारा कुछ मिल गया उनको, इसी वजह से एफ आई आर। डीजीपी आए थे क्या? पूर्व डीजीपी आए? नहीं नहीं, उनका नहीं था, उनके बेटे आए थे जो उनके हस्बैंड है, उनके अपीयरेंस पे सारा ऑर्डर रेखा मिश्रा वो भी आई थी। परिचय निशांत रॉय। बता दें कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।